मोदी सरकार ने सड़कों की दशा बदल कर किया देश का कायाकल्प। 2014 के बाद भारत में तेजी से हुआ सड़कों का निर्माण। भारत में चौड़ी सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे आज देश की नई पीढ़ी देख रही है। भारत में वैश्विक स्तर के अच्छे हाईवे एक्सप्रेस दिखे, इस दिशा में हमारा काम है। जहां आजादी के दशकों बाद भी देश के कई गांव शहर पक्की सड़कों से वंचित थे, तो वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही देश में सड़कों का अद्भुत जाल बिछाना शुरू कर दिया। जहां मात्र 10 वर्षों में 50,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है, तो वहीं 3.74 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों के निर्माण ने लोगों का जनजीवन सरल बनाया है। यही नहीं, जिस भारत देश में 2014 से पहले सड़कों के नाम पर गड्ढे देखने को मिलते थे, तो अब उसी भारत में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से देशवासियों की यात्रा सरल व सुगम बन रही है। इसके अलावा मोदी सरकार ने केबल ब्रिज, सुदर्शन सेतु और भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज अटल सेतु राष्ट्र को समर्पित किया है। साथ ही उत्तराखंड को सबसे बड़े ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की सौगात दी है। ये परियोजना मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा को हर मौसम में सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक बनाना है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। ये मोदी सरकार के दमदार कार्यों का ही परिणाम है कि आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन चुका है। ये सारे उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।